हर वेदर में राइड करने का एक अलग मजा आता है। कभी कभी यूपीआई इतना भंगर काम करता है ना। ये भाई नुस्ता पैर दिख रहा है मेरे को, आदमी किधर है भाई? शपथ कैसा बैठा है वो, बहुत सही व्यू है यार। अरे नहीं नहीं नहीं, इधर भी टर्न है, मैं नहीं जाने वाला अभी आगे, मैं नहीं जाने वाला अभी आगे। ये बहुत ही बड़ा सीरियस इशू रह सकता है अगर कुछ हुआ तो। तो उस पर हेल्पलाइन का नंबर था, उनको कॉल किया है, अभी उनका मैकेनिक आएगा। गुस्सा आ रहा है मेरे को खुद को। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो मैं जा रहा हूँ अभी वही गाँव, इसके पहले भी मैं वही गाँव जा चुका हूँ, लेकिन उस टाइम पे हम लोग बारिश में गए थे, और इस टाइम मैं जा रहा हूँ धूप में। धूप बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है। अभी टाइम हो रहा है 4:30, और मुझे यहाँ से 1 घंटा लगने वाला है वही गाँव पहुँचने के लिए। तो निकलते हैं अभी, क्योंकि ये गेटअप में जब आता हूँ तो पसीने छूट जाते हैं। लेट्स मूव नाउ, और बाकी की कहानी बाइक पे। ओके सो बैक ऑन द बाइक। अभी मुझे 1 घंटा लगने वाला है वही गाँव जाने के लिए। मेरा प्लान ऐसा था कि यहाँ से 4:30 बजे निकलेंगे, 5:30 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे, और थोड़ा रुक के सनसेट देख के और फोटो वगैरह खींचा के रिटर्न चले आएंगे। अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 5। यहाँ पे अभी रोड्स काफ़ी अच्छे बना दिए हैं। ये बहुत हॉट टाइम है मेरा निकलने का। मैं निकलने से पहले सोया था, और अभी भी मैं थोड़ा सा राइडिंग के जोन में आने के लिए थोड़ा सा यूज्ड टू होना बाकी हूँ। कल जैसा सीन, बट मैं कुछ नहीं बोलने वाला आज। अभी का जो अगर टेम्परेचर देखा जाएंगे तो ऑलमोस्ट 34-32 ऐसा रह सकता है मेरे अंदाज से, और गर्म हवा जो है मेरे हाथों को लग रही है, ऑल्दो मैंने ग्लोव्स नहीं पहने इस राइड में, उसके पीछे अलग रीज़न है। हर वेदर में राइड करने का एक अलग मज़ा आता है, अलग एक्सपीरियंस रहता है। अभी अगर वही अगर बारिश में या फिर हम लोग विंटर में आते थे तो ये पूरा हरा हरा भरा भरा रहता, लेकिन अभी पूरा सूखा है, और इसमें भी एक अलग मज़ा आ रहा है मेरे को राइड करते हुए। ये भाई नुस्ता पैर दिख रहा है मेरे को, आदमी किधर है भाई? शपथ कैसा बैठा है वो। अरे अगर ये रात को सीन रहता ना कोई तो डर जाता था। पेट्रोल भरने का वक्त आ गया है, 350 गूगल पे है ना। कभी कभी UPI इतना भंगर काम करता है ना, मुझे मालूम नहीं बैंक का इशू रहता है या इनका ऐप का इशू है, लेकिन जब ऐसा इमरजेंसी रहेगा ना तभी पेमेंट का बहुत बार प्रॉब्लम आता है। ये है पद यात्रा, शिरडी जा रहे हैं, इनके ट्रक पे भी लिखा है। अभी टाइम हो रहा है 5:30, और कितना किलोमीटर है अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मेरे को सिर्फ रूट मालूम है, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। अभी तक मैंने ये मोबाइल होल्डर भी नहीं लगाया क्योंकि कुछ जगह ही नहीं है यहाँ पे लगाने को, सारा भर चुका है। ये नकल गार्ड का सपोर्टर कह सकते, ये है यहाँ पे बटन है, यहाँ पे फॉग लाइट का बटन है। मैं वैसे भी मैप्स को ज़्यादा देखता नहीं हूँ, एक तो लोकल्स को पूछता हूँ या तो फिर एक ही बार मैप देख के उसको दिमाग में रख के जाता हूँ। अभी है, मैं वैसे ही करता हूँ हमेशा राइड पे, इसके लिए मैंने मोबाइल होल्डर अभी तक लगाया नहीं है। नासिक अभी 65 किलोमीटर के आसपास है कुछ, तो इसका मतलब वो आ ही गया रहेगा। अभी कसारा घाट भी चालू हो जाएगा, जैसे ही कसारा घाट में एंटर करूँगा तो कुछ ही देर में लेफ्ट साइड में एक टर्न आएगा, उधर अपने को जाने का। चलो कसारा घाट स्टार्ट हो गया है, और कुछ ही देर में अपने को वो लेफ्ट टर्न लेना है वही गांव के लिए। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं ऑलमोस्ट बहुत जल्दी आ गया। वही गांव के लिए वाला टर्न, जवाहर मोखाड़ा खोडाड़ा वही गांव, तो अपने को जाना है वही गांव। ओहो
ऑलमोस्ट 2 साल बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। जब फर्स्ट टाइम आए थे तो मैं, अजिंक्य और मैत्रेय थे। सो वही गांव बेसिकली लेफ्ट में है, लेकिन अपने को जाना है लेक के पास जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम गए थे, तो वो मेरे ख्याल से आगे है होपफुली। रास्ता मैंने देखा नहीं है और पूछा भी नहीं है, देखते हैं। हाँ, अशोका वाटरफॉल इधर है। ये हैंडल की विला, अशोका वाटरफॉल में वाटर ही नहीं रहेगा अभी शायद से, धूप की वजह से। लेफ्ट साइड में देखो गाइस, लेफ्ट साइड में खाई है और यहाँ से पानी जा रहा है नीचे, विच इज़ अ वेरी गुड व्यू। बहुत सही व्यू है यार। रुको रुको रुको, दिखाता हूँ आपको अच्छे से। अरे इधर ही तो रुकना है अपने को, मैं भी इधर क्यों रुक रहा हूँ फिर, ये ब्रिज पे ही रुकना है। हाँ पहुँच गए हम लोग वही गाँव। सो पहुँच चुका हूँ मैं वही गाँव। लास्ट टाइम हम लोग जब आए थे तब मंदिर नहीं था यहाँ पे, और यहाँ पे अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसके लिए इस दीवार के बाजू में बैठ के व्लॉग बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो व्यू है वो बहुत सही है। मुझे तो यहाँ पे जाके सनसेट का टाइम लैप्स लेने की इच्छा हो रही है, लेकिन रास्ता भी है एक्चुअली, बट थोड़ा चलना पड़ेगा और उसके बाद फिर वहाँ पे बैठे रहना पड़ेगा। और देखते जो भी रहेगा, मैं टाइम लैप्स तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। बहुत सही लग रहा है, बहुत सही। सो गाइज, अभी टाइम अपडेट है 6:24 और अभी हॉर्न बज गया। मैं टाइम लैप्स के लिए अभी कैमरा रखने वाला हूँ, तो उसके पहले एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक बंदा है, तो उसने क्या किया है कि जो ट्यूब आता है ना बड़े गाड़ी का, तो वो लिया है और उसमें वो कब से पानी में बैठा है, जस्ट एंजॉय कर रहा है, स्विम कर रहा है, यहाँ से उधर वहाँ से उधर जा रहा है। और ऐसे 2 से 3 बंदे अभी तक यहाँ पे मैंने देखे हैं। वो देखने में भी एक अलग मज़ा आ रहा है। मैं विजुअलाइज़ कर रहा हूँ कि जो हम लोग पेंटिंग्स देखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, तो सेम टू सेम वही सीन अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और मैं जस्ट ऐसे शांति से बैठ के ये सब देख रहा हूँ। अभी बस टाइम लैप्स लगाते हैं, जैसे ही सन डाउन हो जाएगा हम लोग भी निकल जाएंगे, क्योंकि अपने को और बहुत लंबा जाना है। अभी सनसेट का टाइम वैसे भी हो गया है, सो आप एंजॉय करो और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर सकते हो। सारे शॉट्स लेते लेते हालत टाइट हो जाती है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा कार्डियो हो जाता है। ये अपनी बाइक खड़ी है मस्त, क्या सही व्यू है यार। चलो 7:15 हो रहे हैं और फोटोग्राफी में थोड़ा सा वक्त दिया,
लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम लोग अंदर गए थे, यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने नाश्ता किया था, और अजिंक्य की जो कैप थी वो उधर ही किधर तो गिरी थी पानी में। तो निकलते हैं अभी, बहुत सही लग रहा है यार, बहुत सही, चुम्मा बहुत खूब। चलो आएंगे फिर से कभी। तो अभी मैंने नोटिस किया कि ये जो वायर है इंडिकेटर का, जिससे ये लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर चलेगा, तो वही निकल चुका है, इसके लिए ये बंद है। हाँ चलो कोई नहीं, होता रहता है मेरे साथ, कुछ नई बात नहीं है। निकलो अभी। चलो अभी यहाँ से लेंगे यू टर्न, और यू टर्न के पहले सिर्फ एक बार, यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ लेकिन नहीं जाने का है, आगे चल के जैसे ही घाट ख़त्म हो जाएगा वहाँ से एक राइट टर्न है तो वो मुझे लेना पड़ेगा। चलो अभी यहाँ से ही किधर से तो अपने को टर्न है शायद, अगर मैंने मिस कर दिया है तो मेरे को आगे जाना पड़ेगा बहुत यार। शी डिवाइडर से तो गाड़ी हम लोग, अरे नहीं नहीं नहीं, इधर भी टर्न है, मैं नहीं जाने वाला अभी आगे, मैं नहीं जाने वाला अभी आगे, मैं जाने ही नहीं वाला आगे। आई गो, ये बहुत ही बड़ा सीरियस इशू रह सकता है अगर कुछ हुआ तो, क्योंकि बाइक ऑटोमेटिक बंद पड़ गई, और मेरे को इसका गारंटी लग रहा है, शिट ये निकाला नहीं था मैंने इसके पहले, होपफुली अभी चालू हो जाए, प्लीज प्लीज प्लीज, शिट। गाली दूं मैं खुद को या क्या करूं मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है अभी। शिट, अभी 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 लफड़ा है थोड़ा। सो अभी मैं रुका हूँ इगतपुरी रोड पे, जैसे ही कसारा घाट ख़त्म होता है उसी टाइम पे मेरी बाइक बंद पड़ चुकी है, एंड यहाँ पे नसीब से, नसीब देखो कितना अच्छा है कि यहाँ पे एक बैनर है तो उस पर हेल्पलाइन का नंबर था, उनको कॉल किया है, अभी उनका मैकेनिक आएगा, जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा बाद में, लेकिन गुस्सा आ रहा है मेरे को खुद को। हेलो, चलो फाइनली गाड़ी का काम हो गया है और निकल रहा हूँ मैं अभी। सो अभी मैं पहुँच चुका हूँ पड़गा के टोल नाके पे, इसकी जो कहानी मैं अभी आपको बताता हूँ, इसका 30 नंबर का एक फ्यूज आता है, उस पर 30 लिखा रहता है, तो वो उड़ गया था, इसके लिए फिर हेल्पलाइन नंबर पे जब फ़ोन किया तो उन्होंने मैकेनिक भेजा, एंड उसके बाद फिर उन्होंने पहले बैटरी चेक की तो वो सही थी, उसमें कोई इशू नहीं था, उसके बाद जब फ्यूज़ चेक किया तो फ्यूज़ में गड़बड़ थी, इसके लिए जब दूसरा फ्यूज़ डाल के देखा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो पहले वाला जो फ्यूज़ था तो वो तो डैमेज था, अभी मुझे नया एक फ्यूज़ लेना पड़ेगा ताकि अगली बार भी अगर कुछ ऐसा इशू आता है तो वी कैन चेंज द फ्यूज़। मतलब कुछ टेंशन लेने की ज़्यादा बात नहीं थी, लेकिन जब मुझे मालूम नहीं था और ऐसे लोकेशन पे मेरी गाड़ी बंद पड़ी थी कि आसपास कुछ भी नहीं था, इसके लिए मैं थोड़ा डर गया था, बाकी कुछ नहीं। बट अभी 2 मिनट का ब्रेक लेंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। राइड बहुत स्मूथ थी, मुझे बोलने की कुछ भी इच्छा नहीं हो रही थी, इसके लिए फिर मैंने कुछ बोला नहीं, बीच में कैमरा बंद रखा था। बट अभी देखते हैं, अभी पानी भी नहीं पियेंगे थोड़ा, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है,
अभी टाइम हो रहा है 9:50 और एक घंटा लगेगा मुझे मेरे घर पहुंचने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है। मुझे कुछ तो खाने की इच्छा थी बट अभी मेरी भूख गायब हो चुकी है, तो अभी घर पे जाके सीधा खाना खाऊंगा। मैं सीधा ब्रिज से जाएंगे तो अभी वाशी जाएंगे, पाम बीच से होकर मैं घर पे जाने वाला हूँ क्योंकि हाईवे पे मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है अभी जाने का। पाम बीच कैसा, सीधा सीधा रोड है, निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं। सो गाइज, मैं पहुंच चुका हूँ NMMC। मैं अभी घर पे जाऊंगा, अभी थोड़ा एक ब्रेक लिया है वीडियो एंड करने के लिए और पानी पीने के लिए। 11 बज रहे हैं अभी और मैं कसाराघाट से ऑलमोस्ट 9 बजे आई गेस निकला था और 2 घंटे में आई गेस मैंने कवर किया है सेफली। तो आपको आज का अगर वीडियो पसंद आया रहेगा, बहुत सारा मसाला था, एक साइड में अच्छी चीज़ें भी हुई, सनसेट का टाइम लैप्स एंड ऑल वो सब ट्रिप अच्छा हुआ, और दूसरे साइड में गाड़ी बंद पड़ गई थी, बट कोई नहीं, ये एक एक्सपीरियंस था, लेसन था मेरे लिए, तो अगली बार ये गलती नहीं होगी, इसका मैं ध्यान रखूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।